कि भैंस देख रहे हो? नहीं सर, देख रहे हैं किस देश का पुलिस भैंस पे बैठ के सवारी करता है। अच्छा, बोल रहा है कि से काम करे 85 रुपए रोज पर काम करे जाएगा। देखिए, इनको घर वाले मना करते हैं, अगर छोड़ देंगे ना जी तो देखिए बच्चा लोग भूखे रह जाएंगे। तो मैं देखिए सोची है क्या मन के पोसाइया परवे ना करते तो काम कर काहेला नहीं करवे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप बाबू, आप देख रहे हैं किंग न्यूज। अभी हम राजकीय मध्य विद्यालय योगापुर में अभी हैं और गया सरघाटी। मैं अभी विद्यालय में एंट्री कर रहा हूं, मैं लोगों से मैं बात करूंगा कैसा क्या है, कैसा माहौल क्या है। सबसे पहले तो मैं रसोईया में चलूंगा। कैमरामैन फोकस कीजिएगा, आप आइए। तो चलिए देखिए, मैं अभी रसोईया में मैं एंट्री कर रहा हूँ। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा लिस्ट है जो 7 दिन मिलता है खाना, 6 दिन वो उसका लिस्ट है। और सबसे पहले आइए आप। तो देखिए रसोईया दीदी यहाँ पे हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे चप्पल मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। रसोईया में तो चप्पल नहीं जाना चाहिए। और सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? मुनी देवी। क्या करते हैं आप यहाँ? रसोई बनाते हैं सर। रसोई बनाते हैं? हाँ। आज कौन क्या चीज़ बन रहा है? आज खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा? तो खिचड़ी में काची काची डालते हैं? काची चाची अथी डालते हैं, लौका डालते हैं, पालक के साग रहता है, पालक के साग डालते हैं तो पालक के साग नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो लौका डाला रहा है। अच्छा, टमाटर डालता है। आपका नाम क्या हुआ? गीता देवी सर। घर कहाँ हुआ? जोगापुर। कितने दिन से काम करी था? अच्छा, 2-3 साल से आप लोग काम कर रहे हैं ना। आपका नाम क्या हुआ? मुनवा देवी। घर कहाँ लोग? जोगापुर। सब एक ही के? हाँ हाँ हाँ। आइए इधर आइए, फोकस कीजिए। आपका नाम क्या हुआ? चिंता देवी। घर कहाँ हो लो? जोगापुर। सब माने आप लोग सब सहेली है ना। तो देखिए यहाँ पे खिचड़ी बन रहा है, और कैमरा में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और थोड़ा चलाइए। चलिए बहुत अच्छा खिचड़ी है। और इसमें क्या क्या डाला हुआ है खिचड़ी में? दाल है, कद्दू है। अच्छा अच्छा अच्छा, चावल है। थोड़ा सा छलनी निकालिएगा बाहर, एक निकालिए इसको। देखिए ये मुझे बहुत ही गलत लग रहा है, टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा प्रिंसिपल सर को आप बोलिए कि रसोईया में मेरा दिक्कत है। अब बोले हैं सर को? बोला लिया सर, बना लेन बोला लिया ना। अच्छा, बना बोले हैं। अच्छा, क्या बोले हैं? बोला लिया, हो गले लगा 10-15 दिन। अच्छा, ठीक है, कोई फिर से उनको रिप्लाई कीजिएगा कि सर कैसी टूटा हुआ है, टूटा हुआ चीज़ में किसी को खाना नहीं देना चाहिए। ठीक, बात सही है ना? हाँ सही है। आप लोगों का सैलरी कितना मिलता है? 1500। हाँ। बाप रे, खुश हैं तुम? ना सा खुश कछ खुश ना है, ज्यादा मुस्कुरा के बोल रहे हैं तुम। फोटो बोलिए तो खुश ना है तुम? है ना सर, 50 रुपए ने कोची हवाई सर। अच्छा, 50 रुपया के डेली, माने कि 1500 के महीना। और हाजरी में जीते तो 300 कमाते एक बेला ने खा पी। हाजरी में अगर बाहरी अगर मेहनत करेंगे तो इनको 300 रुपए माने 9000 के महीना। तो देखिए क्या बोल रहे हैं आप? हाजिरी काम करके जाएगा ना, तो 200-300 रोज लगेगा। अच्छा, 200-300 रोज लगेगा ना। तो ओकरा में तो ज्यादा मेहनत करे पड़ता ना। मेहनत कोची कर ले ना, मेहनत करे पड़ता यहां, ये तो मेहनत करे पड़ती सर। तो सैलरी मिली था ना महीने महीने? ना सर, हमने 3 महीने के वेतन रुकल है। 3 महीने के वेतन रुका हुआ आप लोग का? रुकल है 3 महीने से। तो सर के नहीं बोले प्रिंसिपल सर को? बोले नहीं। तो सर क्या बोले? बोलने हम। तो सर क्या बोले आप? बोले तो सर को आवेदन लिख के दे दिए हैं, मतलब ब्लॉक व्लॉक में। तो कितना दिन पहले आवेदन दिया है लिख कर? छुट्टिया के पहले हमने पैसा ले है, उकर बाद फिर नहीं पैसा नहीं ले है। छुट्टी के पहले मतलब क्या था ना? एक महीना के। तो का सोचते हैं कि पैसा वैसा बढ़े है ना? बढ़ तो कोची पैसा हमने के हमने तो मैंने तू चाह कहा बताऊ तो ना छोड़ दू। अरे तो बच्चा लोग क्या होगा हाल, आप लोग छोड़ दीजिएगा तो? सर हमन के कोची है क्या मन के पोसाइया परवे ना करते तो काम कर काहेला नहीं करबे। तो देखिए चावल हो गए 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो चावल हो गए, 20 रुपए हो गए आलू, तब 50 रुपए इन हमन के पेट भरते तब ना सर? तो नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं ना इंसाफी हो रहा है। इन लोग का सैलरी बढ़ा कर कम से कम 6-7 हज़ार रुपए देना चाहिए, कम से कम 6-7 हज़ार रुपया। और देखिए कितना, देखिए कितना धूप में अति कितना गर्मी में काम करते हैं, और कितना बच्चा लोग मेहनत करके खाना बनाते हैं। खुद घर के परिवार बोल रहा है कि से काम करे 85 रुपए रोज पर काम करे जाएगा। देखिए इनको घर वाले मना करते हैं, अगर छोड़ देंगे ना जी तो देखिए बच्चा लोग भूखे रह जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सैलरी इनको बढ़ाइए और पेमेंट इनको टाइम पे दीजिए। इन लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना
देखिए कितना गैस के पास, गर्मी के समय में गैस के पास ये है और खाना बनाते हैं, एक एक टप खाना बनता है ना। हाँ, एक एक टप, सारे एक टप खाना बनता है। बताइए 250-300 के लेकिन खाना बनता है तो आम बात थोड़ी है, 3-4 लेडीज मेरे खाना बनाते हैं। अगर आप लोग आइए ना जी, अधिकारी लोग, आप लोग बना के दिखाइए, एकदम खाना खिला के दिखाइए। हाँ, बोला बोला मैं गुजारिश करूंगा अधिकारी लोग से कि इनको सैलरी टाइम से दिया जाए और सैलरी इनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। काहे कि सैलरी 500 रुपया देखिए, काफी लोग गरीब लोग यहाँ पे, कोई अमीर तो काम करने नहीं आता है, इतना मान लीजिएगा। गरीब घर से लोग आते हैं काम करने के लिए, रसोईया में बेचारी काम करते हैं, कितना मेहनत से खाना बनाते हैं बच्चों लोग को, ये तो आप समझिएगा। और इनको टाइम से सैलरी नहीं, अगर कोई आदमी काम करता है उसको टाइम से खाना नहीं दीजिएगा तो कैसे जिंदा रहेगा बताइए, कोई जिंदा रह सकता है नहीं ना। तो इसलिए टाइम से इनको सैलरी मिलना चाहिए और टाइम से इनको पेमेंट दीजिए और टाइम से ये लोग आते हैं और टाइम से ये लोग जाते हैं। हाँ, सही है ना। हाँ। सुबह कितने बजे आप लोग आते हैं? 7 बजे और यानी 8 बजे हो गए। बताइए 7-8 बजे आते हैं बेचारे घर के, 2 बजे आते हैं, 7-8 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, घर के भी काम काज करके आते हैं ना। हाँ सर, कामों ना कर पा रही है घर वाला। देखिए बेचारी कह रहे हैं कि बकरी छकड़ी रख ले, बकरी छकड़ी इसी बांध के आते हैं 50 रुपये के चक्कर में, बताइए। तो अरे कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों को आप क्या कर रहे हैं सरकार, बताइए इनको दीजिए पेमेंट बढ़ाइए, और नहीं दीजिएगा तो कैसे कोई करेगा बताइए। छोड़ देखिए, छोड़ने के बाद कर रहे हैं तो बताइए, छोड़ देंगे तो फिर बच्चा लोग कैसे खाएगा बताइए, अगर छोड़ दिए तो बच्चा लोग सब भूखे रहेगा क्या होगा सब मैं जानता थी। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ऐसा थोड़ी होता है बिहार में कि 1500 में पूरा दिन खटवाइए, ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम इन लोगों को रसोईया का सैलरी बढ़ाया जाए और टाइम से पेमेंट दिया जाए। और टाइम से सबसे पहले तो खाना बनाते थे, पहले किन्नू खाते हैं खाना? हाँ, रसोईया खाते हैं। पहले रसोईया खाते हैं? हाँ सर। उसको बाद लाइकन के खिलाते हैं बच्चा मैडम को। हाँ। और सर नहीं खाते हैं का? सर खाते ना, खाते हैं ना। हाँ, तब ये रसोईया का नियम है कि सबसे पहले अगर खाना आप लोग बनाइए तो खुद आप टेस्ट कीजिए। ठीक, काहे टेस्ट कीजिए मैं बताता हूँ, काफी जगह ऐसा मतलब हो गया है कि बच्चा लोग खाना में कुछ छिपकली मिल गया। हाँ। कुछ मिला दिया, कोई आकर मतलब कहीं से। हाँ, तो आप लोग का बदनामी होता है, इसलिए आप लोग खाना टेस्ट कीजिए। और अदर आदमी के यहाँ पे एंट्री नहीं करने दीजिए। हाँ, अदर आदमी को यहाँ पे रसोईया में एंट्री नहीं करने दीजिए, क्योंकि बच्चा हर गांव से आता है। हाँ, आपका ही बच्चा पढ़ता है। हाँ, उनका ही बच्चा पढ़ता है, सबको। हाँ, बच्चा पढ़ता है ना। हाँ, तो इसलिए अदर आदमी को वहाँ पे एंट्री नहीं करने दीजिए, जो भी ठीक है ना। हाँ, सर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, आप लोग टाइम से खाना बनाइए। अच्छा ठीक है, मैं पेमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए बिहार के नीतीश कुमार जी, इनको पेमेंट बढ़ाइए, बेचारी के 1500 में कौन खटता है बताइए। 1500 तो यहाँ कोई झाड़ू वाल नहीं रहता है जी, और ये तो खाना बना के दे रहे हैं रसोईया में। 2000-3000 चाय बनाने 2-3-4 रुपए लेता है, 1500 में कौन खाता है जी? 1500 का आदमी कुछ कम करता है तो नहीं बताइए। 350 रुपये। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं गुजारिश किया हूँ अगर नीतीश कुमार जी तक ये वीडियो पहुँचे तो थोड़ा सा वीडियो देखिए और इन लोगों के थोड़ा समस्या का हल कीजिए। और मैं बाहर में चलता हूँ, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ लोगों सर से। तो चलिए, मैं लवली हूँ सर से, मैं कुछ बातें करूँगा। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, मैं ICT इंस्ट्रक्टर हूँ, जो अंडरटेकिंग ऑफ बिहार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा प्रोजेक्ट है, जिसे BCCL और EDQ कंपनी लिया है, और मैं कंपनी के द्वारा ही बहाल हूँ। मैं नवंबर 2022 से बहाल हूँ, मुझे काम करते हुए लगभग 7 से 8 माह हो गया है। अच्छा। मेरा पेमेंट सभी शिक्षकों से बहुत कम है, 8,087-8,800 रुपया पेमेंट है, जो मुझे प्रत्येक माह नहीं दिया जाता है। अच्छा, प्रत्येक माह नहीं दिया जाता है? अब कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 8 माह से काम कर रहा हूँ, लगभग 8 महीना हो गया है, लेकिन 8 माह से आपको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है? पेमेंट मिला है, मार्च तक मिला है। मार्च तक मिला है? अप्रैल मई जून 3 माह का ड्यूज है। अच्छा, 3 माह। और मैं 9 बजे सुबह 9 बजे से लेकर लगातार 4 बजे तक काम करता हूँ, यहाँ एक रूपता नहीं है। मैं काम भी ज़्यादा करता हूँ, मेरा पेमेंट भी कम है, और मुझे डायरेक्ट बिहार सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं मिला है,
मैं कंपनी के द्वारा बहाल हूँ। अच्छा। जो 5 साल तक, 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल के बाद शायद क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो बिहार सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार सरकार को कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सारे शिक्षक बहाल हैं, उसी तरह से कंप्यूटर शिक्षक को भी बहाल किया जाए और बच्चों को भविष्य को देखते हुए यहाँ एक रेगुलर ICT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर टीचर को बहाल किया जाए, ताकि वे बच्चों को सही शिक्षा दे और मार्गदर्शन दे, कंप्यूटर की जानकारी दें। तो आपका सैलरी रुका हुआ है ना? जी, मेरा सैलरी रुका हुआ है, प्रत्येक माह नहीं दिया जाता है, 3 माह या 4 माह जब हो जाता है तो 1 महीना का पेमेंट दिया जाता है। आवेदन नहीं दिए हैं क्या ब्लॉक में? आवेदन ब्लॉक में नहीं देते हैं, हम अपने कंपनी जहां से मुझे अपॉइंट मिला है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उसी के पास हम लोग एब्सेंटी वगैरह भेजते हैं, तो 3 माह या 4 माह हो जाता है तो 1 माह का पेमेंट मुझे मिलता है। तो आवेदन दिया तो ऐसा पेमेंट आता है ना? जी। तो खर्चा वर्चा तो चलाने में दिक्कत होगा ही? बहुत दिक्कत होता है। मेरा घर लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है। अच्छा, 15 किलोमीटर आना, 15 किलोमीटर जाना लगभग 30 किलोमीटर होता है। मेरा पेट्रोल खर्चा 70 से 80 रुपये का प्रतिदिन होता है। मुझे पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं रहता है, दूसरे से मांगना पड़ता है। अच्छा। जी तो देखिए, बिहार सरकार में देखिए अभी भी कुछ कमियाँ हैं। लोग बहाल तो कर देते हैं, उनको सही से देखभाल नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। लोग बहाल करने से क्या होगा, उनको टाइम से नहीं पेमेंट दीजिएगा, कैसे आदमी करेगा, कैसे कोई पढ़ाएगा? कितना दिन बताइए, भैया बोल रहे हैं कि हम आते हैं 70 से 80 रुपये, मान लीजिए 3 हज़ार का महीने का पेट्रोल मिल जाता है, तो 8 हज़ार का सैलरी मिलता था, 5 हज़ार बचता है, तो 5 हज़ार में बताइए क्या कर लेंगे? तो कहीं ना कहीं इनको सैलरी बढ़ाया जाए, है ना? जी, मेरे भी बाल बच्चे परिवार हैं, और इतना कम पैसे में मैं अपने परिवार को सही ढंग से नहीं चला पाता हूँ। तो कंपनी वाला से गुजारिश है सैलरी बढ़ाया जाए? जी, कंपनी वाला से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा सैलरी बढ़ा दिया जाए, ताकि मैं भी सही ढंग से अपने परिवार का देखभाल कर सकूं, पालन पोषण कर सकूं। तो देखिए, अगर हमारे वीडियो अगर अब तक पहुंचता होगा सर, तो थोड़ा सा सर को हेल्प कीजिए। और बहुत ही अच्छा क्लासेस कराते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आकर यहाँ पर। और बहुत ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि टैलेंट होना चाहिए किसी व्यक्ति में पढ़ाने का। मुझे इनको बहुत अच्छा टैलेंट लगा, और मैं बच्चों से मैं बात करना चाहूँगा। बाबू, आपका नाम क्या हुआ? लकी कुमार। यस सर। क्या कर रहे हो आप यहाँ? कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, क्या चीज़ लिखा हुआ है इसमें? निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है बताओ, कौन सा है? सीख तो रहे हैं सर। सीख रहे हैं? यस सर। तो कौन सा होगा इसमें बताओ? इनमें से सभी। सभी? यस सर। एक मिनट जाओ, कहाँ पीछे करो उसको, सभी है। ऑप्शन कौन सा है? डी। अच्छा, ऑप्शन डी है, चलो कोई दिक्कत नहीं बाबू, पढ़ो ठीक है। बाबू, आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार। ये भैंस देख रहे हो? नहीं सर, देख रहे हैं किस देश का पुलिस भैंस पे बैठ के सवारी करता है। अच्छा, किस देश का पुलिस भैंस पर बैठकर सवारी करती है? यस सर। ये ना? यस सर। तो देखिए, लिखा हुआ है, क्वेश्चन इनका है कि किस देश का पुलिस भैंस पर बैठकर सवारी करती है? तो किस देश का बाबू? ब्राज़ील। ब्राज़ील का भैंस पर, जिसको हम लोग दूध खाते हैं, उन लोग उसको सवारी करते हैं, है ना? यस सर। पढ़ते उड़ते हो ना? यस सर। पढ़कर क्या बनना चाहते हो? आर्मी। यस सर। आर्मी बनना चाहता है, तो पढ़ो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा, यहाँ बहुत अच्छा है। और सबसे पहले तो बाबू, आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। तो चंदन जी, आप क्या कर रहे हैं? जीके पढ़ रहे हैं सर। क्या लिखा हुआ बाबू? जीके देख रहे हैं सर। तो क्या लिखा हुआ, पढ़िए इसको। पढ़िए। उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो इसका ऑप्शन कौन होगा? इसका ऑप्शन बी है सर। बी। चलिए पढ़िए, पढ़े में ध्यान दीजिए, ठीक है ना? ठीक सर। देखिए, यहाँ पे एक कंप्यूटर का 2 बच्चे हैं। बाबू, आप दोनों को नाम क्या है? गौतम कुमार। गौतम जी। अच्छा, हाँ। आपका नाम? गौतम कुमार। अरे, आप लोग दोनों जुड़ा भाई हो गया हैं? इधर कैमरा में इधर फोकस कीजिए, इधर आइए। आइए, आपका घर कहाँ हुआ? जोगापुर। आपका? जोगापुर। आप लोग दोनों जुड़ा भाई हो जी? नहीं ना, ना। तो दोनों गौतम नाम बता रहे हैं। आपका पापा क्या नाम है? मुन्ना मंडल। आपका? मुकेश। अच्छा, ये नाम में तो डिफेंट आ रहा है, तो जुड़ो भाई नहीं है। क्या पढ़ रहे हो बाबू? जीके। क्या लिखा हुआ है? लड़की का नाम बताओ। बताओ क्या लड़की का नाम क्या है?
ऑप्शन क्या है बताओ? क्या है बताओ, पढ़ो। मकड़ा, मक अंतरा। हाँ ठीक है ना, पढ़ो में थोड़ा सा ध्यान दो। देखिए ये इधर आइए, इधर आइए, इधर फोकस कीजिए कैमरामैन बाबू। आपका नाम क्या हुआ? हमको। हाँ आपको? सूरज कुमार। सूरज कुमार, यस। अच्छा सूरज जी, आप क्या कर रहे हैं इधर? जीके पढ़ रहे हैं। जीके पढ़ रहे हैं, फिल्म देखते हैं इसमें? नहीं सर, जीके है। जीके है ना, फिल्म नहीं देखते हैं? नहीं सर। ऐसा ना हो सर, चले गए ना अपने फिल्म चालू देखने रहा था? नहीं सर। हैं जीके बड़े देर से लिख रहे सर। बड़ी देरी से ना? सर। ऐसा गलत काम ना करते हैं सर, कि सर चल गए उन्हें तो इन्हें फिल्म देखे लगे इन्हें रहुआ खसड़ी लाल के है ना, ना ना गलत ना करते हो? हाँ तो ठीक है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ रहे हो, इसका नाम पढ़ के सुना मुझे। ट्यूशन? सबसे ज्यादा चना भारत के किस राज्य में होता है बताओ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मध्य प्रदेश में होता है और बच्चा मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बच्चा मुझे बहुत टैलेंट लगा, तो मैं वीडियो का समाप्त करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों का तो कमेंट मुझे करिएगा और बताइएगा कैसा लगा, और बेस्ट लगा मुझे ये क्लासेस देखकर, तो मैं वीडियो का समाप्त करना चाहूँगा। तो अगर मेरे चैनल पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।